अरे इतना आलू काट लिए हम, और इसको बॉईल करना। अभी हमको आलू में नमक दिए और हल्दी दिए, थोड़ा सा दिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो। अल्लाह पाक हमेशा ऐसे रखे, खुश रखे। यास्मीन डेली लाइफ में आप सबका स्वागत है, और अभी से जितना होगा जो भी होगा आप सबसे शेयर करेंगे। और आलू तो मेरी बॉईल हो चुकी है, और आटा भी गूंथा चुका है, और चाय पी के आलू के पराठा बनाने की तैयारी करेंगे। और आलू भी हो गया पूरा ठंडा, और आलू हम पहले ही बॉईल कर लिए थे, और उसके बाद ही पानी वगैरह का कुछ काम मेरा हुआ आज, क्योंकि हम सोच के ही सोए थे जो भी हो हम बनाएंगे आलू का पराठा सुबह में ज़रूर आवेश के लिए। आवेश कहाँ है, और बनाते हैं। और आलू मेरा अच्छे से मैश हो चुका है, और थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल में ज़रा सा ज़ीरा दिए हैं, ज़रा सा मतलब आलू के हिसाब से अपना दिए हैं। और ये प्याज काटे हैं, प्याज भी हमको फ्राई करना है, हल्का फ्राई करना है। और इतना हरी मिर्च काटे हैं, पर ये थोड़ी कम है हम लोग मेरे हिसाब से, और काटते पर बच्चे लोग हैं इसलिए बच्चे लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। और आलू जैसे डाले भुनने के लिए इसमें थोड़ी सी हल्दी देंगे, और थोड़ी सी लाल मिर्च, और थोड़ा भूनेंगे। और इसमें चाट मसाला भी पड़ता है, पर मेरा चाट मसाला भी ख़त्म हो चुका है, और कोई लाने वाला भी नहीं है सुबह सुबह। और आलू मेरा रेडी है, बस थोड़ा ठंडा होगा तो हरी धनिया मिलाएंगे, और एक तरफ घी भी चढ़ाएं सूजी भुनने के लिए, बच्चों लोग की पसंद। और तीन लोई मेरी कंप्लीट हुई है अभी सिर्फ, पराठा बन रहा है, और हलवा भी हो गया, बस थोड़ा सा भुनाना बाकी है। और सबकी नाश्ता हो रही है, पर साथ जो है भाजी पूड़ी खा रहा है, उसको नहीं खाना है आलू का पराठा। और 11:15 हो गया, 11:15 बजे बच्चे लोग का नाश्ता हो रहा है, अभी हम लोग बाकी है, हमारा शाइन बाकी, और चाय हम सबकी चल रही है, और दिन के बज रहे 12, और कब हम खाना बनाएंगे ये हमको पता नहीं। अरे लड़की का खेली खेली हो रहा बाबा, हुँ? आज जब भी जा रही है जिसको खेलने का मन हो रहा को, वाह वाह आंटी के पास जा रही हो, बड़ी आंटी के पास जा रही हो। अच्छा अच्छा, बाबू को जमाई आ रही है। मेरी और शाहीन की नाश्ता हो गई है, बहुत सारी हम लोग की पहले की बात हुई, क्योंकि अब शाहीन जाने वाली है इसलिए ज्यादा मतलब बात निकल रही है हमसे। और शाहीन की बैग भी पैकिंग हो चुकी है, और आवेश रेडी है पूरा जाने के लिए। और सुबह से ही मतलब वो अपनी मम्मी को परेशान कर रहा है कि जल्दी करिए जल्दी आंटी के घर चलिए, और यहाँ पर जिस दिन वो आने को था वो रात भर सोया ही नहीं था ना, वो अपने मुंह से खुद बोल रहा था कि हमको रात भर नींद नहीं आई आंटी। सुबह 5 बजे अपने दादा से पूछ रहा था कितना बजा, 9 बजे अपनी मम्मी को उठा दिया कि चल ये चलना नहीं है, और आज उसी तरह आपा के घर जाने के लिए वो परेशान है। अब फिर कब आओगे बाबू? अब 1-2 महीना बाद या शादी से। अब तो सबका स्कूल खुल रहा है, समर हॉलीडे से ऐसे सबका ख़त्म हो रहा, अब जम की पढ़ाई होगी सबकी ना। और अक्सा भी रेडी हो चुकी है पूरी बड़ी आंटी के घर जाने के लिए, बड़ी आंटी से मिलने के लिए, और ये मेरे ख्याल से जाते जाते सो जाएगी, अभी सोई नहीं है पर जाते जाते सो जाएगी। और अक्सा फाइनली जा रही है, वो आई थी तब भी सो के थी, और जा रही है तब भी सो करके है, उसके भाई लोग निकल चुके हैं, अब इसका निकलना बाकी है। और कब होगा ना? अब होगा इंशाल्लाह थोड़ा सा लेट चाहिए, मतलब जल्दी आना नहीं होगा ना। फिलहाल अभी फिलहाल तो वो अभी अपने घर नहीं जा रही है, आप अपने घर। और ये इसकी बेटी उठ गई है नींद में, और जैसे कि साहिन जा चुकी है, और घर मेरा पूरा खाली हो गया है, और ख़ास करके एक्सा की याद आ रही है हमको। और शाहिन के जाने के बाद में हम कोई भी ब्लॉग नहीं बनाए, बस अभी शाम के 7 बज रहे हैं, अब सोचे थोड़ा मिलते हैं बात करते हैं अब सबसे। और जैसे कि शाहिन अभी आपा के घर में है, वहाँ रौनक लगी होगी, जहाँ बच्चे होते हैं ज़्यादा वहाँ रौनक लगती है।
और हम आज भी कहे थे कि शाहीन मत जाओ, आज रह जाओ, आज संडे कल चल जाना, पर शाहीन के दोनों बेटे नहीं मान रहे थे। उन लोग को जिद थी कि हम बड़ी आंटी के घर अब जाके एक दिन रहेंगे क्योंकि स्कूल खुल जाएगा और इर्तका भाई से मिलेंगे। इवान तो हमको यही कहा कि इर्तका भाई के साथ हमको खेलना है, थोड़ा उनके साथ एक दिन खेलेंगे, और इसलिए नहीं रोक पाए हम। और इसलिए वो शाहीन खास करके भी आ नहीं रुकी क्योंकि उसके दोनों बेटे नहीं रहने मांग रहे थे, वो आपा के घर ही जाने मांग रहे थे। और शाहीन जो है 2 बजे यहाँ से निकली, हम खाना बना रहे थे, जैसे कि मेरे खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हुई क्योंकि 12 बजे तक तो हम लोग नाश्ता ही किए थे और गाड़ी नहीं मिल रही थी उसको। 1 घंटा वो रेडी होकर के मतलब इंतज़ार कर रही थी गाड़ी की, बहुत मुश्किल से उसको गाड़ी मिली है जाने की। और ये शरबत बनाए हैं अम्मी के लिए और उनको अभी, और यही उनका खाना होगा क्योंकि वो कुछ देर पहले ही फ्रूट खा चुकी है और ये शरबत पी उनका डिनर कंप्लीट। और आज हमको रोटी नहीं बनाना है कि जैसे कि अम्मी की कंप्लीट हो चुकी है डिनर और मेरी 2 आलू की पराठा है रखी हुई, जब खाने का मन करेगा तो उसको गर्म करेंगे। और हम आए बूढ़ी दी के पास, बूढ़ी दीदी का डिनर चल रहा है और जो चल रही है बिरयानी, और दोनों आदमी की प्लेट से मेरी भी चल रही है बिरयानी। अब बिरयानी बूढ़ी दी काय खा रही है अभी बताएंगे रीजन उसका। और आज भी हमसे बहुत बड़ी और आज भी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसके लिए हमको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और वो भूल ये थी कि साथ हमको सुबह में ही कहा था कि भुप्पी आज मेरे लिए खिचड़ी बना दीजिएगा, हम कहे भी उसको कि हाँ ठीक है हम बना देंगे और हम सोचे भी थे कि उसके लिए खिचड़ी बनाएंगे, पर शाहीन के जाने की बात थी, नाश्ता हम लोग का लेट से हुआ बहुत ज़्यादा और खाना भी हम बहुत लेट से ही बनाए, 2:30 बजे हम खाना बनाए और इसमें हम खिचड़ी बनाना भूल गए उसकी। और एक ज़रा भी हमको याद नहीं रहा कि साथ हमको कहा है कि खिचड़ी बना देने के लिए और साथ आके हमको से खिचड़ी मांग रहा हो, तो हमको याद आए कि हम तो उसकी खिचड़ी ही नहीं बनाए। वो फिर भी हमको कहा कि कोई बात नहीं है, भूपी होता है, भूल जाता है इंसान, वो हमको ऐसे करके कहा, फिर भी हमको बहुत ज़्यादा ख़राब लगी। और उसको हम कल प्रॉमिस किए हैं कि कल हम तुमको खिचड़ी बना के देंगे, हम फिर भी उसको कहे कि रुक जाओ हम बना देते हैं अभी, वो कहा नहीं रहने दीजिए अब कल बना दीजिएगा। और खड़े थोड़ा गली में हवा के लिए जो नहीं चल रही है। अब बूढ़ी को तो आज ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बिरयानी खाई है। अब बिरयानी का रीज़न ये था उनका क्योंकि आज वो खाना ही नहीं बनाई थी, संडे बना रही थी। हाँ बस बात यही है, जब उनको मन करता वो मतलब ऐसे ही करती है। संडे हो या मंडे रोज खाओ। और इतना गर्मी में कोई अंडा नहीं खाता पूरी दिन रोज पर, ठीक है बिरयानी खा लेगा। देखिए डॉक्टर के हिसाब से देखिएगा तो एक आपको रोज एक अंडा लेना चाहिए इंसान को, कैल्शियम बहुत ज्यादा उसमें। हाँ खाता ही बहुत सारा आदमी रोज खाता है अंडा। हाँ वो लोग रोज खाते हैं अंडा। अब बिरयानी ऐसी चीज है इंसान मतलब एनी टाइम रेडी ही रहता है बिरयानी। और वीडियो का एंड अब तो यहीं पर करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।